टाइगर 3 से लीक हो गया शाहरुख खान का रोल, देखकर फैंस के उड़ जाएंगे होश। सलमान खान की टाइगर 3 पर शाहरुख खान का पहला रिएक्शन, आस्क एसआरके में बताई अंदर की बात। फिल्म में फैंस के लिए बहुत बड़े बड़े सरप्राइज, पहले नहीं देखे होंगे कभी ये सीन्स, जिसको देखने का मिलेगा मौका। सलमान और शाहरुख को साथ देख पागल होंगे फैंस, शाहरुख के दम पर सलमान के चमकेंगे सितारे। सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 का ऐलान हो गया है। इस फिल्म का टीजर रिलीज करके मेकर्स ने फैन के एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। इसके बाद से फिल्म से जुड़ी कई अपडेट्स भी सामने आ रही हैं। बीते दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस फिल्म के लिए सलमान ने 100 करोड़ फीस ली है। वहीं अब हाल ही में फिल्म में शाहरुख खान के रोल को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है कि फिल्म में पठान की एंट्री तो पहले ही पक्की थी, लेकिन अब कुछ बदलाव किए गए हैं। बॉलीवुड के दो पक्के दोस्त सलमान और शाहरुख एक दूसरे के फिल्म में कैमियो करते कई बार नजर आ चुके हैं, लेकिन इस बार पठान में टाइगर को देखकर फैंस का रिएक्शन देखने लायक होगा। इसके बाद ही मेकर्स ने टाइगर 3 में शाहरुख खान के पठान वाले रोल को लेकर बड़ा फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में शाहरुख खान के रोल की टाइमिंग बढ़ाकर लगभग आधा घंटा कर दी गई है। सिर्फ यही नहीं, इन दो सुपरस्टार्स का एक साथ जो सीन है वो अब तक का सबसे शानदार एक्शन सीन होगा। बताया जा रहा है कि इस सीन के लिए प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने 30 करोड़ रुपए खर्च कर डाले हैं। यही नहीं, पठान और टाइगर का ये सीन क्या होगा इसकी डिटेल भी आपको सामने आ जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीन के लिए दुनिया भर में टॉप स्टंट कोरियोग्राफर रखे गए। इसमें पाकिस्तान जेल तोड़ने का सीन दिखाया गया। इस सीन में पठान बाइक चलाएगा और उसकी साइड कार में टाइगर बंदूकें चला रहा होगा, और इस सीन को मड आइलैंड में फिल्माया गया है। आपको बता दें कि टाइगर 3 दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है। इसके टीजर में दिखाया गया है कि टाइगर पर गद्दार होने का थप्पा लग चुका है, वो अब अपने बेटे के सामने अपनी सच्चाई साबित करने के मिशन पर निकला है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड ने एक रिपोर्ट छापी है, इसके अनुसार टाइगर 3 में शाहरुख और सलमान वाला सीक्वेंस लगभग 25 मिनट का होगा। ये किसी भी फिल्म का बहुत बड़ा चंक है। अगर ये खबर सही निकलती है तो पठान से 15 मिनट ज्यादा लंबा सीक्वेंस टाइगर 3 में शाहरुख सलमान के साथ होगा। पठान में सलमान का करीब 8 से 10 मिनट का कैमियो था, शाहरुख का टाइगर 3 में 25 मिनट का होगा। माने शाहरुख फैंस भी खुश और सलमान के तो पिक्चर की बल्ले बल्ले। शाहरुख खान टाइगर 3 में रॉ एजेंट पठान के रोल में दिखेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि पठान YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, इसमें टाइगर फ्रेंचाइज के साथ ऋतिक की वॉर भी शामिल है। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि टाइगर 3 में सलमान शाहरुख का एक जोश भर देने वाला एक्शन सीक्वेंस होगा। इसे अप्रैल के अंत में मुंबई में 7 दिनों तक शूट किया गया था। इस सीक्वेंस को प्रोड्यूस आदित्य चोपड़ा और डायरेक्टर मनीष शर्मा ने मिलकर किया, वो भी 6 महीने के प्लान के बाद। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में एक फैन ने जब शाहरुख खान से पूछा कि क्या आपने सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का टीजर देखा, तो इस पर शाहरुख खान ने मजेदार जवाब देते हुए कहा, टाइगर 3 का टीजर एकदम बढ़िया है भाई, भाई भाई ही है, बहुत प्यारा है। #ब्यूरो रिपोर्ट।